व्हाट्सअप गाइज, हिंदी काउंटडाउन चैनल, जो चैनल वन ऑफ माय फेवरेट चैनल है, वहां पर बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है, प्लस बहुत फनी वीडियोस भी होती है और कुछ जागरूकता के लिए भी होती है। तो भाई ऐसे आपके पास क्या मोमेंट्स हैं जो कैमरे में कैद हो गए, वरना बहुत कुछ कमेंट्री चल गजब है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉट ऑन कैमरा पार्ट है, ये कैमरे में कैद हो गया वरना आगे देख लो तुम, खतरनाक वीडियो होने वाली है, मजेदार भी होगी साथ साथ। तो भाई चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रात को 9:30 बजे हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों चैनल को यार, और वीडियो आप सजेस्ट कर सकते हो। 1 2 3 गो। क्या बात है, एक बार फिर से स्वागत है हिंदी काउंटडाउन की नई वीडियो में, जहां आज हम फिर से आपको दिखाएंगे ऐसी घटनाएं जो अगर सीसीटीवी और कैमरे में कैद ना होती तो शायद कोई यकीन नहीं करता, इसलिए भूमिका में ज्यादा समय खराब नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंस कॉटन कैमरा पार्ट 17। वैसे तो पुलिस का नाम सुनते ही एक कड़क, रौबदार या गुस्सैल छवि सामने दिखाई देती है, लेकिन बिहार के मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे पुलिस के जवान का अलग चेहरा देखने को मिला। 20 सितंबर 2021 को कैमरे में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप ने लोगों को इमोशनल कर दिया। दरअसल इसमें अनुराग कुमार नाम के आरपीएफ जवान को रेलवे स्टेशन पर लावारिस और असहाय पड़े एक 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति को खुद साबुन लगाकर नहलाते दिखे, दाढ़ी बनवाई और कपड़े पहनवाए। ये बुजुर्ग 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही पड़े थे, पहले लोगों ने भिखारी समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन अनुराग ने सच्चाई जानने की कोशिश की, जिस पर बुजुर्ग ने कलयुग का एक ऐसा सच बताया कि सुनने वाले हर शख्स का कलेजा कांप जाएगा। बुजुर्ग राम नरेश यादव ने बताया कि वो मैन शेखपुरा के लोदीपुर के पंचायत का रहने वाला है, लेकिन उसके अपने बेटे बेटी ने परेशान होकर स्टेशन पर उन्हें छोड़ दिया और पास में कुछ न होने के चलते मैं वहीं पर किसी लावारिस जानवर की तरह पड़ा रहा, लेकिन अनुराग ने फरिश्ता बनकर उन्हें संभाला और तुरंत उनके परिवारजनों की खोज शुरू करवाई। आरपीएफ जवान के लिए दिल खोलकर लाइक करें, ऐसे बेटा बेटी होने से अच्छा तो निसंतान रहना ही ठीक है। ऐसे कपूतों को क्या सजा देनी चाहिए जरूर कमेंट में बताना। अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको मालूम होगा बिल्लियां किसी से नहीं डरती, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका होती है। जब अकेली बिल्ली भी कुत्तों के ग्रुप पर हमला करने से नहीं डरती तो यहाँ तो 4-4 बिल्लियां मिलकर एक अकेले डॉग के सामने, क्या बात है, इन्होंने मिलकर बेचारे की मजा डाली। डॉग एक पर झपटता तो पीछे से दूसरी बिल्ली हमला कर देती। 5 सितंबर 2021 के दिन राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मंदरेश्वर महादेव के मंदिर में जय उपाध्याय नामक एक युवक चद्दर बिछाए हुए सो रहा था। इस दौरान युवक के पास एक कोबरा सांप आता है और सीधा उसकी चद्दर में घुस जाता है। अब सांप को अपनी चद्दर में देख युवक को कुछ अजीब लगा तो उसने अपने नीचे चेक किया, लेकिन नीचे देखते उसके होश उड़ गए और जनाब बिजली की रफ्तार से उठकर भाग निकले और अपनी जान बचाने में सफल रहे। लेकिन इधर काटा नहीं, उपाध्याय जी थोड़ी सी भी देर कर देते तो उनकी जान गले में आ जाती। बच गया, बच गया। आज तक आपने कई तरह के चोरों और उनकी चोरी करने के अलग अलग तरीके देखे होंगे, लेकिन इस अगले क्लिप में आप एक ऐसे चोर को देखेंगे जिसने अपने शातिर दिमाग से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हुआ यूं कि एक कार मालिक बैंक से सीधा अपनी कार में कुछ मरम्मत करवाने मैकेनिक के पास आया, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि एक चोर की नजर उस पर है। कार से जैसे वो बाहर निकला, चोर ने बड़े शातिराना अंदाज में तुरंत पिछला डोर खोल दिया। अगर कार में एडवांस फीचर नहीं हुआ तो लॉक करने के बावजूद भी कार का वो डोर अनलॉक रहेगा और मौका मिलते ही चोर पैसे लेकर 9-2-11 हो जाता है। 25 सितंबर 2021 को पंजाब केसरी के फेसबुक पेज पर अपलोड हुई इस वीडियो में एक उबर कैब ड्राइवर और एक लड़की को बहस करते हुए देखा गया। लोकेशन डालिए, मैं बीच में कैसे आपको उतार सकता हूँ? मैं आपको बीच में कैसे उतार सकता हूँ? ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए कैमरा चालू कर दिया, क्योंकि प्रियदर्शनी और हितेशा दीदी वाले कांड के बाद ये बेहद जरूरी हो गया है। हुआ यूं कि लड़की ने फरीदाबाद से ओखला के लिए कैब की, लेकिन बीच में इन्हें एक पैकेट उठाना था। इन्होंने बिना लोकेशन ड्राइवर को वहां ले जाने के लिए कहा तो ड्राइवर ने कहा आप स्टॉप डाल दे तभी जाऊंगा। आप जहां जाएंगे वहां का सिर्फ डाल दीजिए ना लोकेशन, क्या दिक्कत है?
मैं यही बोल रहा हूँ ना आपसे, आप लोग आप बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। मैं क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग की सिस्टम हो गई बदतमीजी करके बात करने का, ठीक है? चाहे जैसे भी बात करेंगे आप लोग सीधा एक ही चीज बोलते हो। आपको बताती हूँ आपकी बदतमीजियाँ कैसे होती है। ठीक है जी, आप बता दीजिए मैम। और ऐसा कैब में बैठते ही ड्राइवर ने बोल दिया था, लेकिन लड़की ने थोड़ी बहस के बाद पुलिस को फोन मिला दिया और उन्हें कहा कि ड्राइवर गंदे गंदे कमेंट्स और जबरदस्ती करने लगा है और उसे जबरदस्ती कैब में बैठा रखा है। लेकिन ये ड्राइवर होने के नाते स्टॉप कर सकते हैं, ये जबरदस्ती मुझे कैब में बिठाए रख रहे हैं। अगर उतर के चले जाते तो ये मेरे को गलत बात है कि मैंने पैसे नहीं दिए, ठीक है? गलत बात है, मैं नहीं उतर रही हूँ तो ये मेरे को जबरदस्ती कैब में बिठाए जी। नहीं, गलत बात है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैम, आप गलत मत बोलो। नमस्ते सर, मैं ये बाईपास रोड पे खड़ी हूँ, ठीक है? मेरा कैब ड्राइवर ना मुझसे जबरदस्ती कर रहा था पहले तो, ठीक है ना? फिर ये गंदे गंदे कमेंट्स पास करने लग गया। जी नहीं, हमने कुछ नहीं ऐसा बोला मैम। सर मैं बाईपास से बोल रही हूँ, मैं रॉयल हेरिटेज से आ रही थी और अपने ऑफिस जा रही। गुस्सा आता है ना इन चीजों पे, सीरियस हरियाणा। जबकि ड्राइवर इनकार करता रहा, ये सच में ऐसी घटना थी जो अगर सच में कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती ना तो छेड़छाड़ जबरदस्ती वाले मामले में कोई इस ड्राइवर पर यकीन नहीं करता और बिना जांच के उसे सोशल मीडिया पर आरोपी साबित कर दिया जाता। खैर, क्या ड्राइवर को उस लोकेशन पर जाना चाहिए था? उसने मना करके सही किया? कैब कार में कैमरे नहीं लगवाने चाहिए थे? ऐसी लड़कियां लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। सरोजीत सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है। खैर, लड़की ने ड्राइवर पर जो इल्जाम लगाए उस पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। ये खुलेआम बदतमीजी। इसी प्रकार इस बॉयफ्रेंड ने भी सही समय पर कैमरा चालू कर दिया, वरना लड़की उस पर तरह तरह के इल्जाम लगा रही थी और उसकी कार में पूरा खाना भी गिरा डाला। लेकिन बॉयफ्रेंड को रिकॉर्डिंग करता देख वहाँ से 9:10:11 होने की कोशिश करने लगी। 22 सितंबर 2021 को रिकॉर्ड हुई एक मामा बेयर और उसके बच्चे के क्लिप इंटरनेट पर जमकर सुर्खियां बटोर रही है। क्लिप नॉर्थ कैरोलिना के एशविले में स्थित इसाक डिक्सन एलिमेंट्री स्कूल के टीचर स्टॉक्स लेगर एमरी ने अपलोड की। क्लिप में देखा गया एक माँ भालू अपने बच्चे को कैसे स्लाइड से फिसल कर नीचे आने के लिए प्रेरित करती है और भागकर सबसे छोटी स्लाइड पर खड़ी हो जाती है ताकि उसका बच्चा वहीं से आए और फिर उसे गले लगाकर उसके संग खेलने लगती है। सच में इंसान हो या जानवर, माँ तो आखिर माँ ही होती है। माँ भालू और उसके बच्चे का ये वीडियो देखकर हर किसी का दिल पिघल गया। और आपका? इन दिनों सोशल मीडिया पर ये फनी वीडियो क्लिप भी जमकर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें एक व्यक्ति ने गुजरात के वडोदरा की खराब सड़कों पर तंज कसते हुए एक मिक्सर में पुदीना चटनी का सामान डाला और टूटी फूटी और उबड़ खाबड़ सड़कों पर स्कूटी लेकर निकल गया। अब जब कुछ ही दूर जाने के बाद जनाब ने मिक्सर को चेक किया तो चटनी बनी हुई पाई। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की ऐसी खराब सड़कों पर अच्छे अच्छे इंसान की चटनी बन जाती है। 22 सितंबर 2021 के दिन विशाल पारेख नामक एक ट्विटर यूजर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बच्चे का वीडियो अपलोड किया जो कि आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई करने की उम्र में फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर दही कचोरी बेचकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश में जुटा हुआ था। विशाल ने क्लिप के साथ लिखा, ये बच्चा सिर्फ 14 साल का है और अहमदाबाद के मणिनगर रेलवे स्टेशन के सामने दही कचौरी बेचने का काम करता है। साथ ही उसकी कचौरी सिर्फ 10 रुपए प्रति प्लेट की सस्ती रेट पर मिलती है। इसके अलावा विशाल ने लिखा, बच्चे का ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनके पास ग्राहकों की लाइन लग जाए और वो अधिक पैसे कमा सके। सोशल मीडिया पावर को तो आप जानते ही हैं। विशाल की ये पोस्ट धीरे धीरे देश भर में फैलने लगी और अगले दिन बच्चे के पास लोगों का जमावड़ा लग गया। अब बच्चे के पास दही कचौरी लेने वाले लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ लग चुकी थी कि अगर वो 5 आदमी काम पर रख ले तो भी ग्राहक खत्म नहीं होंगे। अब बच्चा इतना फेमस हो चुका था कि देश भर के कई फूड ब्लॉगर्स भी उसके पास पहुँचने लगे। तन्ना धवल नाम के एक यूट्यूबर ने इनके घर पर भी विजिट किया और पूरे परिवार से बात की कि दिखाया कैसे कितनी परेशानी के चलते इन्हें फैमिली का सपोर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। जिस सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाकर लोगों को भ्रमित और गुमराह किया जाता है, उसी सोशल मीडिया को अगर सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो किसी की जिंदगी भी बना सकता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। कुछ इसी प्रकार की एक और क्लिप तेलंगाना के मंत्री रामा राव ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। क्लिप तेलंगाना के जगतियाल जिले में रिकॉर्ड हुई, जिसमें एक बच्चे को अखबार बेचते देख एक व्यक्ति उससे पूछता है, बेटा पढ़ाई की उम्र में तुम अखबार क्यों बेच रहे हो? इस पर बच्चे ने जो जवाब दिया वो सुनकर उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। बच्चे ने कहा, मैं पढ़ाई भी करता हूँ लेकिन पढ़ाई के साथ साथ काम करने में हर्ज क्या है, ये मेरे भविष्य के लिए अच्छा ही है ना। बच्चे की बातों में कॉन्फिडेंस देखकर वीडियो बना रहे व्यक्ति के साथ साथ पूरा देश उस पर गर्व कर रहा है।
आपने हैवी ड्राइवर तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन अब देखिए इस लॉरी ड्राइवर की जबरदस्त स्किल्स को, जिसने इतनी कम जगह होने के बावजूद भी टनल में लॉरी को परफेक्ट रॉन्ग साइड से राइट साइड कर लिया। अरे भाई अकेले बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते समय इंसान खेलने से ज्यादा बार बार बॉल लाने के काम से थक जाता है, लेकिन इन जनाब ने ऐसा जुगाड़ बनाया कि बॉल बास्केट में जाने के बाद खुद ब खुद एक लकड़ी पर चलते हुए उसके हाथ में आ जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इन मोहतरमा से मिली है जो शराब के दो घूंट पीकर एक पेड़ पर चढ़ गई और झूमने लगी, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है और बेचारी नीचे गिर जाती है। गनीमत रही नीचे पानी ही था, जिसके चलते उसे किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी। खैर, हिंदी काउंटडाउन आपसे विनती करता है कि नशा ना करें, अगर करना है तो कम से कम ऐसी ऐसी मूर्खता तो बिल्कुल ना करें। बहुत सही बात करी है, बहुत ही बढ़िया बात करी है, और बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनके वीडियो से। हमेशा कहता हूँ मैं, जैसा कि नशा करो, लेकिन ऐसा करो कि वो नशा करके आप पाप की परी माँ का मगरमच्छ ना बने। और जैसे पता है जैसे इसमें दिखाया था ना कि हमेशा ही कहते हैं वो तो कुछ पुलिस वाले ऐसे निकल जाते हैं, वो बहुत स्वीट था जो उन्होंने वो जेस्चर किया था ना यार। यही कहते हैं दो वक्त ही खाना ही तो खिलाना होता है, दो या तीन वक्त का यार, उसमें भी वो चीज नहीं होनी चाहिए। और अच्छे इंसान बनो आप, क्या बोलते हैं उस बारे में यार, मतलब कि आप हाँ। आपके सही शब्द भी नहीं है आपकी, क्या बोलो क्या बोलो, क्योंकि गुस्सा जो होता है गुस्सा आप निकाल भी नहीं सकते, ये चीज तो वो चीज है। और एक सोशल मीडिया को ना सही तरीके से यूज करो, जैसे बच्चे की हेल्प हुई है वहां पर, ना कि वो कलाकार औरत बने कि भाई साहब कुछ भी लड़कियां चाहे लड़का हो चाहे मैं यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, लड़कियां गलत करती है, अगर उसकी जगह पीछे बंदा भी बैठा तो वो भी ऐसा कर रहा है, वो गलत है। और पहली बात, अगर वो मान लो बाहर ने पूछा था ना कि अगर लोकेशन पे ले जाता तो क्या होता, हाँ। भाई अगर वो उस लोकेशन पे ले जाता ना तो ये लड़की उस पर कोई भी इल्जाम लगा सकती थी कि हाँ, ये तो मेरे को जबरदस्ती यहाँ पर लेके आया, क्योंकि उस टॉप नहीं बना था। मेरे को ये लगा था कि जो प्रियदर्शनी वाला केस हुआ था उससे कुछ सीखेंगे, सबक मिलेंगे, क्योंकि एट द एंड उसने भी अपनी गलती मानी थी एंड में जाके ना, जब थोड़ा जो भी कॉम्प्रोमाइज आया लगा था थोड़ा बहुत, लेकिन ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं और ज्यादा ऐसे। भाई धरती पे पता क्या हो रहा है, ये कलयुग है दोस्तों, सही कहा है किसी ने, कलयुग भाई सब कोई मेरे को समझता है ये एटिकेट्स ह्यूमैनिटी कहाँ चली गई है, ह्यूमैनिटी नाम की तो चीज नहीं बची है भाई। मुझे लगता है कि लोगों को मजा आता है, टाइम ऐसे ही बदल रहा देगा, बिल्ली ने कुत्ते भगा रखे, दही तोड़ दी, चार बिल्लियों ने ऐसे ऐसे कर रखी थी, बदल रहा मेरा देश बदल रहा है। लेकिन भाई ये ह्यूज रिस्पेक्ट टू द पुलिसमैन एंड उस बच्चे के लिए भी कि भाई पढ़े अपने फैमिली को सपोर्ट करने, आपको नहीं पता ना कब किसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, तो यही चीज कहता हूँ दोस्तों, अभी से मेहनत करोगे तभी फ्यूचर बनेगा, और वहीं अगर आप आज अपने फ्यूचर से खिलवाड़ कर जाओगे तो आगे आपको दिक्कत आएगी। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई लिखाई भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी करियर बनाओ उसका बैकअप जरूर आपके पास होना चाहिए, ताकि आप एक लॉन्ग टर्म सोच सको, क्योंकि आने वाले टाइम में जॉब्स पे बहुत खतरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो ये नहीं पता भाई किसमें करियर किसका क्या बनेगा। तो भाई समझदार बनो, और हिंदी काउंटडाउन चैनल अमेजिंग है जो ऐसी वीडियोस लेके आते हैं। वो भालू वाला भी बहुत स्वीट था, उसकी मम्मी उसको बता रही यहाँ से आओ, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मतलब कोई जुबान नहीं होती, लेकिन उनको देख के आप बहुत अप्रिशिएट करते हो। एंड आई एम श्योर आप लोग को वीडियो काफी अच्छी लगी यार, अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है, चैनल पर नए तो आपको सब्सक्राइब बनता है, और कमेंट करके बताना फेवरेट के लिए आपकी कौन सी थी, एंड कोई भी आपको जो दिल छूने वाला मोमेंट था तो उसको मेंशन करके ओपी लिख देना, सलूट लिख देना। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।